हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ जंपिंग जैक यानी जितेंद्र साहब की। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र साहब को एक समय में जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता था। जितेंद्र साहब ने अपने फिल्मी करियर में कई तरह के किरदारों को जिया है। उन्होंने 60 से 90 दशक तक फिल्मी सिनेमा में अपना वर्चस्व कायम रखा और उनकी ड्रेसिंग स्टाइल की भी चर्चा काफी हुआ करती थी। फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र साहब एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लगभग 40 रीमेक फिल्मों में काम किया। मुख्य भूमिका निभाने वाले जितेंद्र साहब ने अपनी लाइफ में लगभग 200 फिल्में की जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उन फिल्मों में लगभग 120 फिल्में हिट साबित रहीं, जिनमें रेखा, मौसमी चटर्जी, रीना रॉय, हेमा मालिनी, जयप्रदा, श्रीदेवी, ऐसी अनेक हीरोइनों के साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया और इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा जयप्रदा, श्रीदेवी और रेखा के साथ हुई। इनकी जोड़ी फिल्मों में काफी पसंद की जाती थी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में काफी स्ट्रगल किया था। शुरुआती दौर में जितेंद्र मुंबई के एक चौल में रहा करते थे और उनके पिता फिल्मों में ज्वेलरी की सप्लाई का काम करते थे। जब जितेंद्र कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आया और पिता के बीमार होने पर घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब उसी समय जितेंद्र ने वी शांताराम से मिलकर उनसे फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की, मगर वी शांताराम ने कहा तुम कोशिश करके देख लो, मगर मैं तो अभी तुम्हें काम नहीं दे सकता। फिर कुछ समय बाद वी शांताराम का बुलावा आ गया जितेंद्र को। फिर वी शांताराम ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। काफी रिटेक के बाद भी जितेंद्र डायलॉग ठीक तरह से नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन फिर भी वी राम ने उनका सिलेक्शन किया और उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों ने फिल्म में काम करने का मौका दिया। उनका नाम बदलने वाले शांताराम ही थे जिन्होंने उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र रखा। उसके बाद वी शांताराम जी ने एक और फिल्म बनाई थी बूंद जो बन गई मोती, उसमें भी जितेंद्र साहब को मौका दिया था उन्होंने। उसके बाद 1967 में जितेंद्र की एक फिल्म आई फर्ज। इस फिल्म के बाद तो जितेंद्र की अपनी एक अलग पहचान बनने लगी। इस फिल्म के बाद तो जितेंद्र ने कारवां की और हमजोली की। इस फिल्म में उनके डांस ने उनको जंपिंग जैक नाम से फेमस कर दिया। बॉलीवुड में जितेंद्र की लव लाइफ भी काफी चर्चा में रही। उनका नाम कई हीरोइनों से जुड़ा, लेकिन बचपन से ही वो शोभा से प्यार करते थे जो बाद में उनकी वाइफ बनी थी। शोभा जी जब 14 साल की थी तभी से जितेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। उस वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम किया करती थी और जॉब की वजह से वो अक्सर विदेश में रहा करती थी और वो चाहकर भी जितेंद्र से मुलाकात कम कर पाती थी। और एक वक्त तो ऐसा आया कि जब जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे और जितेंद्र ने अपनी माँ को हेमा मालिनी की माँ से मिलने के लिए भेजा, रिश्ते की बात करने के लिए भेजा, और हेमा के परिवार वाले भी इस शादी के लिए राजी हो रहे थे और हेमा जी भी राजी थीं, मगर कहते हैं कि उनकी जो बचपन की गर्लफ्रेंड थी वो अपने परिवार के साथ जितेंद्र के घर पहुंच गई। इसके बाद जितेंद्र और हेमा की शादी तो नहीं हो सकी। इसके बाद जितेंद्र ने 1974 में शोभा से ही शादी कर। दोस्तों ये थी जितेंद्र साहब के विषय में कुछ जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।